जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा सपोज आप रात के करीब 2 बजे अपना फेवरेट शोज या मूवीज नेटफ्लिक्स में एंजॉय करना चाहते हो, बट उसको ज़्यादातर वॉल्यूम में आप नहीं सुन सकते विदाउट हेडफोन्स, क्योंकि आपका मम्मी पापा जग जाएंगे फिर आपको घर से निकल देगी। मजाक कर रहे हो, बट कम से कम आपको डांट पड़ने वाला है, वॉल्यूम कम कर नहीं तो पापा जग जाएगी। बट अगर कुछ ऐसा हुआ कि आप एक लिविंग रूम में बैठे हुए हो एंड आपका मन पसंदीदा जो कॉन्टेंट है वो भी आप एंजॉय करना चाहते हो, और आपका जो पूरा सराउंड साउंड सिस्टम है उसकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आपको ही एंड आपका ही कानों पे पहुँचे बिना किसी तार के, बिना किसी हेडफोन से, एंड सिर्फ और सिर्फ जो स्पीकर से निकलते हुए साउंड वो सिर्फ आपको ही सुनाई देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये कोई मिराकल नहीं है, ये बेसिकली एक साइंस है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो बेसिकली हमारा डायरेक्शनल स्पीकर होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ कोई नया इनोवेशन नहीं है, बहुत साल पुरानी इनोवेशन है। को फिल कर देगा जैसे आप वॉल्यूम को अप करते हो। फॉर एग्जांपल जब आप घर पे साउंड सिस्टम को बजाते हो तो उसका जो वेव्स है, वो जो स्पीकर आपने लगा रखे है, तो वहाँ से जब वो साउंड निकलते हैं तो पूरा ही चारों तरफ वो साउंड फेंकते हैं, एंड जो भी स्पीकर्स का कौन है एंड जिस कौन से वो साउंड फेंकना चाहते हो वो आगे प्रोपोगेट कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इतने सारे पिछले सालों से हमने जो कमाल दिखाए ऑडियो टेक्नोलॉजी में, बहुत ही अच्छे अच्छे स्पीकर्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, एंड साथ ही साथ बहुत ऑडियो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव भी हुआ है। बट कभी कभी ये चीज़ दूसरों को भी एनोइंग कर देती है, कितना अच्छा अगर साउंड को किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर टारगेट कर पाए। तो जैसे कि अगर मुझे कुछ सुनना है तो सिर्फ मैं ही सुन पाऊँ। अगर आप चाहते हो कि भीड़ में किसी एक आदमी के कान पे कुछ आप बताना चाहते हो तो सिर्फ वही आदमी उसको सुन पाए और कोई कुछ भी ना सुन पाए, और ऐसे हमने स्टडी करके डेवलप किया हुआ है बेसिकली एक टेक्निक्स जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल स्पीकर। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर मेथड नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप एक म्यूज़ियम या हो सकता है एक साइंस सिटी के अंदर आप घूमने गए हो और आपके सामने एक गैलरी बेसिकली है जो हमारा साइंस सिटी के अंदर ज़्यादातर होते हैं। तो गैलरी में आप चलते हुए जो वॉल पर लगे हुए अलग अलग फ़ोटोज है, इनोवेशन के हिस्ट्री लगे हुआ है, तो जब आप उस फोटो के सामने जाते हो, टहलते टहलते एक फ़ोटो के सामने अपने रुक जाते हो, एंड ऐसे में उस फोटो से आपके लिए एक सीक्रेट मैसेज निकल के आती है जो कि आपको बताते हैं उस फोटोज़ के बारे में, इनोवेशन के बारे में, क्या डिटेल्स है, किसने बनाया था, कब इसे इनोवेशन हुई एंड इसके पीछे टोटल हिस्ट्री क्या है वगैरह वगैरह। वो सिर्फ आवाज़ जो निकलती है सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनाई देने वाला है। जो इंसान आपके अगल बगल में खड़ा है उसको कभी भी कुछ नहीं पता चलेगा कि आपको कानों पे जो सीक्रेट मैसेज पहुंच रही हो क्या है। डायरेक्शनल स्पीकर कुछ इस तरीके से काम करती है। बेसिकली ये मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है बिहाइंड द जो ऑडियो साइंस का उपयोग किया है वही आप लोगों को अभी मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखना, एंड तक देखना, बिकॉज ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो ओके दोस्तों, देखिए नॉर्मल स्पीकर जो हमारे होते हैं, जो हमारा ह्यूमन कान सुन सकते हैं, बेसिकली वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, एंड ये थियोरेटिकली भी प्रूफ्ड है। एंड ऐसे में उस स्पीकर को जब आप आउटपुट देने वाला है तो उसका रेंज यही होता है, लेकिन जो स्पीकर से आप एक पॉइंट पे या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के आवाज़ को फेंकना चाहते हो वहाँ पर आपको जो
फ्रीक्वेंसी का नेट पढ़ने वाला है वो करीब करीब 2 लाख किलोहर्ट्ज, यानी कि इस इंसान के सुनने का क्षमता के बहुत ज़्यादा बाहर है। एंड ऐसे में अगर आपके सामने पीछे जाल बना हुआ है एंड आप उसके अंदर भी रहते हो तो आपको आवाज़ कुछ भी नहीं सुनाई देने वाला है। तो आप देखिए होता क्या है, बेसिकली जो नॉर्मल स्पीकर है वहाँ पर जो वेव्स निकलते हैं बेसिकली 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के अंदर ही होते हैं। तो ज़्यादातर वही सिग्नल हम लोग यूज़ करते हैं, हो सकता है आपके पास सिंगल ड्राइवर है डुअल ड्राइवर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मली जो साउंड का वेव्स है उसका जो थ्योरी है यही है बेसिकली। लेकिन जो डायरेक्शनल स्पीकर है वहाँ पर जो ड्राइवर लगा हुआ है बहुत ही छोटे छोटे जो हमारा पिज़ारो इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं एंड बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज को वाइब्रेट करके प्रोड्यूस करते हैं। एंड ऐसे में करीब करीब 2 लाख फ्रिक्वेंसीज के आसपास वो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करते हैं। तो ये तो था हमारा बेस फ्रिक्वेंसी जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ एक स्पेसिफिक टारगेट तक पहुँचने के लिए। एंड उसके ऊपर में भी और एक फ्रिक्वेंसी का मैं यूज़ करने वाला हूँ जो एक्चुअल मेरा साउंड का सिग्नल है, क्योंकि वो तो ज़्यादातर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ही होगी। तो मैंने इसमें क्या करूँगा, दोनों को मिक्स कर दूँगा एंड मिक्स करने के बाद में मैंने क्या करूँगा उस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर दिया। तो दोस्तों और भी आसान तरीके से आप लोगों को समझने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जो बोल रही हूँ इस वीडियो के अंदर इस माइक्रोफोन के थ्रू आप समझ लीजिए एक स्पीकर है, ठीक है। तो ये जो ऑडियो सिग्नल आप सुन रही हो या मैं सुन रहा हूँ एंड आप एक लिसनर हो, तो जैसे कि वेव आके मुझसे टकराएगी या आपसे टकराएगी, तो क्योंकि वो जो वेव है वहाँ पर दो मिक्सर का उपयोग किया है, एक 2 लाख फ्रिक्वेंसी का है जो बेस फ्रिक्वेंसी और एक है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज का। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों फ्रिक्वेंसीज का जो आउटपुट निकल का आएगा वो दोनों का डिफरेंस एक तो सेम होगा सम होगा और नहीं तो हो सकता है डिफरेंस। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये पर होता क्या है, 2 लाख फ्रिक्वेंसी से अगर 2,20,000 मैंने घाटा दिया तो बचा क्या, ओनली 20,000। तो ऐसे में जो डिफरेंस वाला पार्ट होगा वो होगा एक्चुअल साउंड का पार्ट, यानी कि मैं जो सुनने वाला हूँ वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो और मैंने बड़े ही आराम से उस सिग्नल को या जो सीक्रेट मैसेज मेरे तक वो पहुँचना चाहिए था उसका बड़े ही आराम से मैं सुन पाऊँगा। तो दोस्तों यही कुछ मिराकल है जो डायरेक्शनल स्पीकर में बेसिकली जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। ऑल्दो आज की डेट में भी ये वर्ल्डवाइड स्प्रेड नहीं है स्पेशली इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन डिफेंस वारशिप्स ने भी वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे एक सीक्रेट मैसेज पहुँचाना है, तो इसलिए वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर फ्यूचर की बात करें तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर आपके घर पर टीवी लगा हुआ है तो उसके सामने 2 डायरेक्शनल स्पीकर भी आप इंस्टॉल कर रखे हो, तो ऐसे में आप कहीं बीचों बीच बैठे हो तो जब आप कोई भी कॉन्टेंट देख रहे हो आपको पूरा साउंड सुनाई देने वाला है। जब आप उस डायरेक्शन से मूव करते हो या दूसरे साइड पर चला जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं सुनाई देने वाला है और बाकी को भी अनोइंग चीज़ नहीं होने वाला है। कि ये बहुत ही सही चीज़ है एंड ये देखने वाली चीज़ है ये कब हमारे हाथ आता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ ही गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना एंड खूब सारा लाइक करना। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है या क्वारीज है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स के जरिए मेरे को पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।